থ্রিকা কোহলি নাক তুমি রিকুয়েস্ট করেছিলা, তো তোমার রিকুয়েস্টত ওমেনে পমেন্টর ভিডিওটো আইছো। সো আমি লাস্ট ভিডিও মে বলি থি কি কিসি কা আগর কুছ টপিক কা ভিডিও চাহিয়ে তো কমেন্ট কর সকতে হো, মে উস টপিক মে ভিডিও লাউঙ্গি। তো আজ উসি হিসাব সে মে ওমেন এম্পাওয়ারমেন্ট জো চ্যাপ্টার 3 কা এক টপিক হ্যায় ও ডিসকাস করনে যা রহি হুঁ। আজকাল কে টাইম মে বহুত হি ইম্পর্টেন্ট এক টপিক হ্যায়, हर एग्जाम में आने का चांस रहता है। तो ओमेन एम्पावरमेंट का तुम लोगों के एग्जाम में मीनिंग आ सकता है और एजुकेशन का क्या रोल है ओमेन एम्पावर करने के लिए, तो वो सब एग्जाम में आता है। तो पहले देखते हैं ओमेन एम्पावरमेंट क्या है। तो मैं कुछ पॉइंट्स में इतना ये 2 मार्क या 4 मार्क के लिए आ सकता है, तो इतना एक्सप्लेन करने का तो ये मतलब ये जगह नहीं है या पॉसिबल नहीं है, इसलिए मेन मेन जो पॉइंट्स है मैं वो लिख के दिया हूँ, तो तुम लोग यही से नोट्स बना सकते हो। तो कुछ पॉइंट्स देखो, फर्स्ट है वुमेन एम्पावरमेंट, मतलब एम्पावरिंग वुमेन टू टेक देयर ओन डिसीजन। मतलब वुमेन को, मतलब महिलाओं को क्या किया जाए कि वो लोग अपने अच्छे के लिए कुछ डिसीजन ले पाए खुद के लिए, कि खुद का अच्छा किस पे होगा, वो किसी के ऊपर डिपेंडेंट ना रहे। कि ये शायद तुम लोग के उसमें हो सकता है कि एचएस के बाद तुम लोग कौन सा कोर्स पढ़ोगे, कौन सा कॉलेज में पढ़ोगे, ये सब से लेके पूरा फ्यूचर में कुछ भी डिसीजन अपना सोशल लाइफ में, पर्सनल लाइफ में, कहीं पे भी अपना डिसीजन लेना हो तो खुद अपने अच्छे के लिए कुछ डिसीजन ले सको, इतना स्ट्रांग तुम बनो, इतना कॉन्फिडेंट तुम बनो, वही है हम लोग बोल सकते हैं वुमेन एम्पावरमेंट। मतलब हम लोगों को एम्पावर करना कि हम लोग मेल हम लोग के जो इक्वल है, मेल फीमेल इक्वल है, हम लोगों में वो कॉन्फिडेंस बस लाना है कि हम लोगों का कॉन्स्टिट्यूशनल कुछ राइट्स है, वो राइट्स हम लोगों को पता होना चाहिए, कोई हम लोगों को दबा के ना रख सके, हम लोग अपना एक स्टैंड पॉइंट रखना है, एक पॉजिटिव एटीट्यूड रखना चाहिए, सोशल लाइफ में हो, पर्सनल लाइफ में हो, हम लोग कॉन्फिडेंट रहे, या मतलब कि किसी के ऊपर बर्डन ना बने, सेल्फ रिलायंट, सेल्फ एस्टीम हम लोगों में रहे, एक पॉजिटिव एटीट्यूड रहे, यही सब है वुमेन एम्पावरमेंट का मतलब। मतलब हम लोग को स्ट्रांग एनफ बनाए कि हम लोग अपना अच्छा सोच सके, अपने अच्छे के लिए एक स्टैंड रख सके कि हम लोग के साथ कोई कुछ बुरा ना कर पाए। जैसे कि एंशियंट टाइम में क्या होता था, महिलाओं को या लड़कियों को एजुकेशन नहीं दिया जाता था, मेल्स को ज्यादा बॉयज स्कूल्स भेजा जाता था, गर्ल्स को घर में रह के घर का काम करवाया जाता था, तो मतलब क्या हम लोग को इक्वल ट्रीटमेंट नहीं मिलता था। लेकिन आजकल क्या होता है कि सबको इक्वल एजुकेशन मिलना चाहिए, क्योंकि एजुकेशन ऐसा एक मेन टूल है जिससे क्या हो सकता है वुमेन्स को हम लोग एम्पावर कर सकते हैं, क्योंकि आजकल के दुनिया के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर हम लोग चाहते हैं कि हम लोग के कंट्री का डेवलपमेंट हो, तो क्योंकि हम लोग आधा हिस्सा ही देखो, आधे से ज्यादा ही मैं बोलूंगी, तुम कहीं पे भी जाओ देखना, वहां पे लड़कियां या फीमेल वो ज्यादा रहते हैं, कैंडिडेट ज्यादा रहते हैं किसी भी फील्ड में तुम देखो। तो फिर भी मैं बोलती हूँ, अगर आधा भी हिस्सा हम लोग वुमेन है, तो अगर हम लोगों का कंट्री का डेवलपमेंट हम लोग चाहते हैं, तो वो आधा हिस्सा ही दब के रह जाएगा, तो हम लोग के देश का डेवलपमेंट पॉसिबल नहीं होगा। इसीलिए बहुत इम्पोर्टेंट है मेनली आजकल प्रेजेंट सोसाइटी में कि हर लड़की, हर औरत खुद के लिए एक स्ट्रॉन्ग स्टैंड पॉइंट रख पाए, सब एजुकेटेड रहे, कोई ऐसा ना रहे पीछे दब के ना रहे। इसीलिए ये सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक आजकल का है कि सभी को एम्पावर करना चाहिए। तो मीनिंग में तुम लोगों को लिखना है कि वुमेन एम्पावर मीन्स एम्पावरिंग वुमेन एंड टू टेक देयर डिसीजन, ओन डिसीजन इन एवरी फील्ड लाइक एजुकेशनल, सोशल और एनी पर्सनल लाइफ, एंड एनकरेजिंग टू बी सेल्फ रिलायंट, इंडिपेंडेंट। और हम लोगों को क्या करना चाहिए, एनकरेज करना चाहिए कि हम लोग सेल्फ रिलायंट बने, ठीक है, इंडिपेंडेंट बने, किसी के ऊपर डिपेंडेंट, पहले फादर फिर हस्बैंड या किसी के ऊपर, अपना आसान किसी के ऊपर, मेल के ऊपर हम लोग कभी भी, या मेल बोल के नहीं, किसी के ऊपर हम लोग डिपेंडेंट ना रहे, खुद का एक पोजीशन रहना चाहिए, सोशल लाइफ में हो या तुम्हारा घर में फैमिली में एक ऐसा तुम्हारा एक पोजीशन होना चाहिए कि तुम्हारा जो डिसीजन है वो सभी माने, या तुम अपना पोजीशन ऐसा बनाओ कि अपना डिसीजन लोगों के सामने तुम बोल पाओ, एक मतलब स्ट्रॉन्ग पोजीशन अपना बनाना चाहिए, वही है वुमेन एम्पावरमेंट। और एक है जनरेट कॉन्फिडेंस, सभी में वो कॉन्फिडेंस, जिसके पहले क्या होता था, हम लोगों में ही कॉन्फिडेंस नहीं था कि हम लोग लड़की है क्या कर पाएंगे, ये सोच सबसे खराब है। तो ये सोच हर लड़की के मन से हटाना चाहिए कि हम लोग सब इक्वल है, हम लोग किसी से कम नहीं है, वो कॉन्फिडेंस लाना है कि हम लोग के लिए भी बहुत
बहुत सारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स दिया गया है, तो वो राइट्स हम लोग को पता होना चाहिए। कोई अगर हम लोग के साथ कुछ गलत कर रहा है उसके खिलाफ हम लोग को एक्शन लेना चाहिए, वो लीगल एक्शन हम लोग को क्या क्या लेना चाहिए वो पता होना चाहिए। मतलब हम लोग इतना कॉन्फिडेंट इतना स्ट्रांग बने कि कोई हम लोगों को बर्डन ना समझे या कोई हम लोगों को दबा के ना रख सके, वो ये है वुमेन एम्पावरमेंट। इतना हम लोगों को स्ट्रांग बनाना चाहिए। नेक्स्ट है एक्टिव पार्टिसिपेशन इन एवरी फील्ड। आजकल ये बहुत सारे जगह पे हो चुका है, लेकिन अभी भी ऐसा बहुत जगह है, ऐसे बहुत गांव है जहाँ पे वुमेन को इतना रेस्पेक्ट नहीं दिया जाता है या उन लोगों का एक्टिव पार्टिसिपेशन नहीं होता है, सोशल लाइफ में हो या पॉलिटिकल लाइफ में हो, ये सारा पॉलिटिकल फील्ड में एजुकेशनल फील्ड में उन लोगों का पार्टिसिपेशन नहीं रहता है। तो इसीलिए बोला गया कि हम लोग इतना कॉन्फिडेंट रहे इतना स्ट्रांग बने कि हर फील्ड में हम लोग का पार्टिसिपेट कर पाए और लोगों के सामने अपना पॉइंट ऑफ व्यू अपना डिसीजन बोल पाए, यही है वुमेन एम्पावरमेंट। ठीक है, और एजुकेशन का रोल अगर आता है तो यही है कि एजुकेशन ऐसा एक मेन टूल है जिससे हम लोग वो कर सकते हैं कि सभी में वो कॉन्फिडेंस ला सकते हैं। इसीलिए एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी सबके लिए इक्वल होना चाहिए, सभी हम लोग का बर्थ राइट है एजुकेशन, तो कोई पीछे। इसीलिए आजकल देखना ये सभी को एजुकेशन देना, यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन जो आया है उसमें भी ये एजुकेशन फॉर ऑल, मतलब सबको एजुकेशन देना चाहिए, कोई इलिटरेट ना रहे, क्योंकि एजुकेशन से ही हम लोग वो रियलाइज कर पाएंगे कि हम लोगों का क्या है। बहुत सारा लीगल राइट्स है, उनका कॉन्स्टिट्यूशन है, उससे बहुत सारा प्रोविजन है हम लोगों के लिए, तो वो हम लोगों को पता होना चाहिए, अपना स्टैंड पॉइंट अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू रखना चाहिए। तो यही है वुमेन एम्पावरमेंट। आई होप तुम लोग को समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर कुछ कन्फ्यूजन रहता है तुम लोग कमेंट सेक्शन में बोल सकते हो, और अगर और कुछ टॉपिक के बारे में तुम लोग को चाहिए वीडियो तो वो भी कमेंट कर सकते हो। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर जरूर करना, और नए हो तो सब्सक्राइब कर देना चैनल को। ठीक है, आज के लिए इतना ही। हैव ए गुड डे। थैंक यू।